कर्नाटक चुनाव में आमने सामने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस और बीजेपी के लिए इस राज्य को जीतना सियासी मायने में बहुत अहम है। शायद इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बचाव के लिए सोनिया गांधी भी मैदान में उतर गई हैं। वहीं पीएम पर निशाना साधते साधते उत्साह में राहुल गांधी ने बयान दे दिया, अगर 2019 में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। उधर कांग्रेस पर एक के बाद एक प्रहार करने वाले पीएम मोदी राहुल के इस बयान पर कैसे चुप रहने वाले थे। पीएम मोदी ने भी राहुल के प्रधानमंत्री वाले बयान को सीधे उनके अहंकार से जोड़ दिया और बंगारपेट में रैली के दौरान जनता से पूछ लिया, पीएम बनने की बात कहना अहंकार नहीं तो और क्या है। तो वही जनता को भी शायद पीएम मोदी का ये अंदाज काफी पसंद आता है, तभी तो रैली में मौजूद जनता भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। दरअसल राहुल गांधी पीएम मोदी पर चुनाव में किए वादों को लेकर तंज कस रहे थे, जो खुद उन्हीं पर भारी पड़ गया। फिलहाल कर्नाटक में अभी 10 मई को चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख है, तब तक कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। देखना ये होगा कि इस चुनावी रण में कौन किस पर भारी पड़ता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।